गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने केमिस्ट्री में एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला निकालना सीखा था। आज हम एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे फ्रॉम कंबस्चन डेटा। मीन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्चन हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, बर्न की जा रही है। तो इन दैट केस आप एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, आइए हम वो सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फ्रॉम कंबस्चन डेटा। आइए समझिए, सबसे पहले बच्चों ये समझिए, यहाँ पे जब आप कंबस्चन करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंबस्चन मीन्स क्या है, कंबस्चन मीन्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट अस सपोज एक जनरल ले लेते हैं, यानी एक्स के टर्म में सी एक्स एच वाई ऑक्सीजन के मान लेते हैं जेड एटम, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता क्या है, इसका कंबस्चन करवाना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको ये बर्न करवाना है। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, वन मिलता है, पहला आपको मिलता है CO2, दूसरा मिलता है आपको क्या, वाटर, फर्स्ट CO2 एंड अदर वाटर, डेफिनेटली ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। देखिए स्टेट लिखने से काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता है, कहाँ पे मिलता है, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे मिलता है, काफ़ी बार मैं आपको फील करा चुका हूँ, इसलिए आदत डालिए इनकी फिजिकल स्टेट लिखने की भी, CO2 गैस, वाटर। अब वाटर की बात आती है, ये वाटर या आपके लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में कब होगा, जब ये वेपराइज हो चुका होगा, यानी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड कब होगा, जब लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमें कंबस्चन के एक बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं वो लिखने जा रहा हूँ, ताकि आपके नोट्स भी साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाएं। तो यहां पे आपको जो बाय प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं, यहां पे आपको बच्चों जो बाय प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं वो मिलने जा रहा है, वन इज योर CO2 डेफिनेटली गैस, अदर इज योर H2O। अब यहां पे आप दो केस फिर से बनते हैं, वो दो केस क्या बनते हैं मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बनेगा H2O लिक्विड, एक बनेगा आपका H2O गैस, क्या बनेगा H2O गैस। बच्चों H2O लिक्विड कब बनेगा, जब आपका इफ अगर जो ये रिएक्शन कैरी हो रही है उसमें टेम्परेचर का अगर जिक्र किया है, अगर वो इफ क्या टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या, सॉरी लिक्विड है तो क्या होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब तो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलने वाला है। यदि आपका टेम्परेचर क्या होने जा रहा है, इफ टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये स्टेट मिलेगी। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मीन्स जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उस समय टेम्परेचर दिया रहेगा, बोल देगा 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब कितना हो चुका है आपका रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपका कैसा होता है वो H2O लिक्विड के फॉर्म में, तो आप ये लिखेंगे, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है, श्योर। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, यहाँ पे इसका कंबस्चन करवाया, दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे मैंने इसको बर्न किया, तो मुझे बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CO2 एंड H2O मिल रहा है। मान लेते हैं चलिए थोड़ा देर के लिए इसमें कुछ इसमें टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं किया, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको टेम्परेचर के बारे में नहीं पता चल रहा है, इन दैट केस आप क्या मान के चलेंगे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इज इट क्लियर। बच्चे ये जो छोटी छोटी बातें मैं बीच में बोलता हूँ तो ये आप लोग नोट्स बना के लिख लिया कीजिए, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी आपको एक दिन दो दिन एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हद से ज़्यादा एक महीने से ज़्यादा आपको याद नहीं रहने वाले, जब आप आगे नए नए चैप्टर पढ़ते रहेंगे तब पीछे का आप साइड बाई साइड भूलते रहेंगे, इसलिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें साइड में लिखते रहा कीजिए, इज इट क्लियर। चलिए तो बच्चों हमारा ये हो रहा है कंबस्चन, आइए देखिए एक काम करते हैं बच्चों, बैलेंस करिए, सबसे पहला काम क्या होता है बैलेंस, कार्बन के एक्स, कार्बन यहाँ पे एटम कितने हैं एक्स, तो क्या मैं यहाँ पे इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने कर दिया, लो एक्स से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन वाई, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाई
यहाँ पे दो हाइड्रोजन यानी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डेफिनेटली वाई बाई टू से, डेफिनेटली वाई बाई टू से। मान लेते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, मान लेते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, एन एटम्स हैं, एन मोल्स बोल लीजिए या वट एवर, चलिए मोल्स बोल लीजिए। इज इट क्लियर? तो अभी आइए बैलेंस करते हैं। यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं, एन है। देखिए यहां ऑक्सीजन के एन यानी कितना हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं बच्चों, इस साइड ऑक्सीजन जेड जेड प्लस, ये कितने हैं ऑक्सीजन 2n इक्वल्स टू, यहां ऑक्सीजन कितनी है 2x प्लस, यहां ऑक्सीजन कितनी है y बाई टू, ऑफकोर्स y बाई टू इंटू वन यानी y बाई टू। बच्चों यहां से हमें क्या चाहिए, ये अननोन n चाहिए। क्या आप लोग ये n निकाल पाएंगे, implies n equals to क्या हो जाएगा आपका 2x plus y by 2 minus z divide by 2। जब आप divide by 2 करेंगे बच्चों ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 4 and ये हो जाएगा z by 2। ध्यान से देखिए क्या आप इस equation को solve कर सकते हैं या नहीं, definitely कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये value मिल चुकी है बच्चों, इक्वेशन आपकी क्या बन चुकी है, देखिए इक्वेशन आपकी स्पेस प्रॉब्लम होने जा रही है। क्या मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूं ताकि थोड़ा स्पेस मैं अपने लिए बचा सकूं, तो क्या हो जाएगा इसके लिए हम लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 2n इक्वल्स टू 2x प्लस y बाई टू। यहाँ से आपका इम्प्लाइज n कितना निकल के आ चुका है, n आपका निकल के आ चुका है x प्लस y बाई फोर, वाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू, ये आपका एन निकल के आ चुका है। आइए आगे समझते हैं। देखिए बच्चों आपको एन की वैल्यू मिल गई, तो एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, सी एक्स एच वाई ओ जेड प्लस एन मीन्स क्या हो चुका है x प्लस वाई बाई फोर माइनस जेड बाई टू ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, एंड यहां पे क्या x CO2 एंड प्लस यहां पे y बाई टू H2O। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों यहां पे बैलेंस कीजिए थोड़ा सा। एक काम कीजिए, देखिए कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो x मोल कार्बन बराबर क्या है मोल ऑफ कार्बन जो कि x है, यहां पे मोल ऑफ CO2 वो भी x है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस कंपाउंड में, यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखिए मोल ऑफ कार्बन बराबर जो कि x है और यहां पे इक्वल्स टू मोल ऑफ इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे X है, तो मोल ऑफ CO2 क्या है X है, मोल ऑफ कार्बन इसमें बोलेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो भी X है। तो घूम फिर के यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2, पहला कंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में हेल्प करने वाला है पहली बात। चलिए आइए बच्चों और कंपेयर करने जा रहे हैं। आइए हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ वाई दिख रहे हैं, आइए लिखिए मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन देखिए क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू कितने हैं वाई है, वाई है एंड यहां मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी मोल ऑफ H2O कितने हैं y बाई टू, मोल ऑफ H2O कितने हैं y बाई टू। बच्चों इन दो को देख के क्या आप लोग ये लिख सकते हैं, क्या आप लोग इन दो से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू टू टाइम्स मोल ऑफ वाटर।
लिख सकते हैं या नहीं? देखिए y इक्वल टू क्या है आपका, देखिए अगर आपसे मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए तो आप बोलेंगे y है, आपसे पूछा जाएगा मोल ऑफ वाटर H2O पूछेंगे तो y बाई टू, तो देखिए y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए आपके कितने हैं, मोल ऑफ वाटर बोल दीजिए मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई टू, या बोल दीजिए मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये वैल्यू तो रिप्लेस कर लेंगे ना। तो वहां से हमारा दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आया बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया यहां से, नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए या यूं कहूं कि आपको याद हो जाने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। बार जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, दो चार न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाते लगाते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोनों रिलेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप ये प्रॉब्लम्स डील करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे डील करेंगे, उससे पहले इतना नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं इस प्रॉब्लम को। एग्जाम्पल 33 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, एग्जाम्पल 34 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन कंप्लीट होते ही जल्दी से ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन, आपका 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ओसी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट, गिव्स 4.4 ग्राम CO2 आपको मिलता है, डेफिनेटली गैस, एंड गिव्स 4.4 ग्राम CO2 एंड 3.6 ग्राम आपका H2O, गिव्स इतना ग्राम H2O, ठीक है, इज इट क्लियर? डिराइव एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जल्दी से ट्राई कीजिए और आंसर भेजिए। आइए बच्चों देखिए बच्चों 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता है नहीं है तो जनरल CXHYOZ, तो जनरल आप मान के चलते हैं तो आपको ये डेटा, मैंने क्या बोला था, इन डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमने सीखा था मोल ऑफ कार्बन एटम इन CXHYOZ यानी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू मोल ऑफ CO2, एक बात ये सीखी थी। दूसरी मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H2O, ये सीखा था। तो आइए सीख करते हैं, इसके हेल्प लेते हैं। तो मोल ऑफ कार्बन सबसे पहले हम वो निकाल सकते हैं, कहाँ से, इस रिलेशन से, मोल ऑफ कार्बन कितना होता है इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को पता है क्या मोल ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कितना उसका मास दिया है डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना मास दिया है CO2 का 4.4, मोलर मास कितना होता है, क्या 12 होता है, डेफिनेटली होता है कार्बन का, क्या हो गया ये, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके, मैं ये डेटा और कुछ और डेटा में बदलाव कर सकता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके और आप कॉन्सेप्ट सीख सकें। 12 2 24, इस डेटा को एक तो चेंज कीजिए, इसको 4.8 लीजिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 12 4 48, तो कितने मोल आए इसके, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है या नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके मोल आ चुके हैं। दूसरी बात हमने रिलेशन सीखा है क्या,
मोल ऑफ मोल्स ऑफ एच या मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालें हाइड्रोजन एटम ट्वाइस होता है आपका क्या मोल ऑफ H2O ट्वाइस मोल ऑफ H2O मोल ऑफ H2O जल्दी से बता दीजिए वाटर के मोल्स ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ H2O वाटर कितना निकला है 3.6 ग्राम तो क्या हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय इसका वाटर का मोलर मास दैट इज 18 टू जा 36 तो यह क्या आ गया 2 टू जा 4 यानी अगेन 0.4 बहुत अच्छी बात है इज इट क्लियर तो इन दोनों की हेल्प से तो हम ये निकाल चुके हैं क्या अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मुझे सबके मोल्स पता होने चाहिए कार्बन के मोल्स मुझे पता चल चुके हैं हाइड्रोजन के मोल्स पता चल चुके हैं अब ऑक्सीजन के मोल्स अगर मुझे पता चल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला अपना लिख पाऊंगा इतनी बात तो पता है इसका क्या मोलर मास नहीं दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास नहीं दिया है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे लेकिन आप एम्पेरिकल फॉर्मूला जरूर निकाल पाएंगे क्यों क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर निकालने के लिए आपको मोलर की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक टर्म एन आता है जो कि इन दोनों का रेशियो ही होता है तो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना तो आसान है देखिए एक बात बताइए मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ कार्बन इतना तो चार इतना है इतने मोल्स कार्बन के तो कार्बन के मोल्स 0.4 अगर मुझे ये मोल्स हैं चार 0.4 मोल अगर मैंने मुझे ये वेट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो क्या लिख सकता हूँ इसे देखिए थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहे हैं ये क्या है आपके क्या है ये 0.4 मोल है अगर आपको इसको ग्राम में लिखना है वेट में लिखना है वेट के टर्म में तो कार्बन के GMM यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ गया 4.8 ग्राम क्या आ गया 4.8 ग्राम इज इट क्लियर और नॉट ये चेंज कर लीजिएगा डेटा बच्चों भूल जाएंगे आप लोग सिमिलरली यहां पे आप लोग ये भी इतना मोल है आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो अगर ग्राम में निकालना है इंटू 0.1 कर दीजिए इंटू 1 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.4 ग्राम इज इट क्लियर और नॉट अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है टोटल 4g तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन लिखिए प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन ये लिख सकते हैं या नहीं देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट है पहली बात मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ जो वेट टर्म है केमिस्ट्री में आप वेट बोलिए या मास बोलिए दोनों को सेम कंसिडर किया जाता है मतलब दोनों वेट का मतलब भी यहाँ पे क्या मास से है यानी यूनिट ग्राम आने वाली है किलोग्राम लेकिन फिजिक्स में जब आप वेट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है फोर्स की यानी न्यूटन तो यहाँ पे कभी मैं वेट बोलूँ या मास बोलूँ तो बात एक ही है यूनिट ग्राम आने वाली है तो केमिस्ट्री तक तो आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको 4 ग्राम दिया है बच्चों एंड 4 ग्राम कार्बन का आपको पता चल चुका है 4.8 प्लस बच्चों ये डेटा मैंने बोला था चेंज करूंगा तो ये चेंज करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन का 0.4 ऑक्सीजन का निकालना है बच्चों इसको एक काम कीजिए थोड़ा देर के लिए 8 लेके चलिए ये अगर मैं 8 लेता हूँ तो देखते हैं क्या आ गया आपका ऑक्सीजन का क्या आ चुका है वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा ये 4.8 यानी 5.2 वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका आ गया 8 माइनस 5.2 कितना हो गया आपका 2.8 चलिए अच्छी बात है एक काम कीजिए इसको 8.4 ले लीजिए इसको 8.4 ले लीजिए दैट मीन्स इसको 8.4 ले लीजिए इसको 8.4 ले लीजिए किसको ले लीजिए 8.4 सॉरी इसको 8.4 ले लीजिए ऐसा क्यों अगेन बता रहा हूँ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए और कोई बड़ा रीजन नहीं है 8.4 ग्राम आपने क्या ले रखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अब क्या कैलकुलेशन हो जाएगी 4 में से 2 गया 2 आपका आया 4 में से 2, 5, 6, 7, 8, 3.2 ग्राम बच्चों ऑक्सीजन का वेट इतना इसको मोल्स के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 3.2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन यानी 16 से डिवाइड करेंगे
यानी 0.2। खत्म, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कैसे हो चुका है कंप्लीट देखिए। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने मोल हैं कार्बन के? 0.4 हाइड्रोजन के, 0.4 ऑक्सीजन के, 0.2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 442। क्या लिख सकते हैं इसे? 442 सिंपल रेशियो में। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? C4H4O2 आपका आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? तो बच्चों दोबारा बता रहा हूँ, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सिंपल एक बात समझ में आ रही है, बाई प्रोडक्ट ये बन रहे हैं, तो जैसे ही किसी का वेट दिया होता है तो इनको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को मोल्स में, यानी मुझे पता है CO2 के मोल्स मुझे पता हैं एंड H2O के मोल्स पता हैं। जैसे ही मुझे CO2 के मोल्स पता चले तो CO2 के मोल्स बराबर ही कार्बन के मोल्स होते हैं, मुझे पता है, तो मेरे दिमाग में क्लिक करा कि मेरे मोल्स कार्बन के कितने होने जा रहे हैं? इतने। सिमिलरली जैसे ही मुझे हाइड्रोजन के वाटर के मोल्स पता चले, मुझे पता है वाटर के मोल्स इक्वल्स टू हाइड्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय 2, अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले। तो जैसे ही मुझे इसके मोल्स पता हैं तो मुझे उसके पता चल गए इस रिलेशन की हेल्प से। इज इट क्लियर? इन दोनों के मोल्स पता चल गए, अब इन दोनों के मोल्स पता हैं तो इसको वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.4 मोल को वेट में कन्वर्ट करेंगे, इतना इंटू 1 हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम। इज इट क्लियर? तो दोनों का वेट पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या, इन तीनों के से मिलके ही बनेगा, इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट, तो टोटल इतना है, ये प्लस ऑक्सीजन का इक्वल टू इतना। तो ऑक्सीजन का वेट जैसे ही आया तो उसको मैंने मोल में कन्वर्ट किया, ये तीनों को मैंने मोल फॉर्मेट में लिखा, अब ये सिंपल रेशियो में लिखा, तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेटेड हमारी काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी ऑलरेडी, केवल ये टॉपिक बचा था कंबस्टन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं। इससे ज़्यादा अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रैक्टिस की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा, उतने आपके कॉन्सेप्ट तो जितने थे मैं सब बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, अब आप गलती जो मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन के वक्त, तो वो सब रिड्यूस करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इज इट क्लियर? मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ओके। चलिए इतना नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। देखिए यहाँ पे मोल ऑफ CO2, तो यहाँ पे मोलर मास किसका आएगा? CO2 का आएगा। कितना होता है CO2 का? 12 + 16 + 30 कितना हो गया? 44 हो गया। दिस इज द 44, ऐड कर लीजिए 16 + 32 + 12 = 44। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में इसको चेंज कर दिया था, इसको 4.4 ही रहने दीजिए, दैट मीन्स ये जो हमने चेंजेस किए थे इसको 4.4 ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो सारी कैलकुलेशन गलत हो चुकी है, तो देख लीजिए, तो ये कितना हो गया? 0.1। तो 0.1 हो चुका है, तो इसका मोलर मास, तो 0.1 मोल कार्बन आगे इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 1.2 ग्राम। कितना आ गया? 1.2 ग्राम। बहुत बढ़िया। वाटर का तो एकदम ओके है। चलिए WC कितना आया है? 1.2। कितना है? 1.2। ये कितना है? 0.4। क्या है WH? 0.4। ऑक्सीजन निकालनी है। ऑर्गेनिक एक काम कीजिए, ये हम शुरू में जो ले रहे थे वो ले लीजिए, 3.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 3.2 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 3.2 ग्राम। ये 1.2 + 0.4 = 1.6, 32 - 16 यानी 1.6। तो आपका ये क्या आ गया? डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया W। ऑक्सीजन कितना आ गया? 1.6 ग्राम। अब ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन के मोल्स 1.6 डिवाइडेड बाई 16 ही होता है, 1.6 डिवाइडेड बाई 16 होता है, तो कितना आ गया? 0.1। अगेन क्या आ गया? 0.1। तो बच्चों क्या आ गया? कार्बन के निकल के आए मोल्स 0.1, सही कीजिए। हाइड्रोजन के निकल के आए 0.4, सही है। ऑक्सीजन के निकल के आए हैं मोल्स 0.1। पॉइंट पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया अगेन 1। तो आपका जो फॉर्मूला आंसर निकल के आने वाला है क्या हो गया?
CH4O, this is the correct answer. तो देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, पूरी कैलकुलेशन हमें दोबारा करनी पड़ी, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इज इट क्लियर? चलिए आइए देखिए बच्चों. देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा. तो स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है? नथिंग बट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो स्टोइकोमेट्री क्या है? स्टोइकोमेट्री क्या है? कुछ भी नहीं है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री, अ बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल क्या रिएक्शन आरएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री. या सिंपल से ऐसे बोल दीजिए, कोई रिएक्शन लिखा है उसका चेहरा, सिंपल लैंग्वेज में. आइए बाद में बात करेंगे. देखिए स्टोइकोमेट्री ये है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए. लेट अस सपोज आपने नाइट्रोजन जो कि गैस फॉर्म में, इसको मिलाया हाइड्रोजन जो कि अगेन गैस फॉर्म में, आपको क्या मिला बच्चों? अमोनिया NH3. क्या बच्चों ये स्टोइकोमेट्री है? दैट मींस बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं. क्यों? नाइट्रोजन दो एटम, यहां कितने हैं? एक. क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं. क्या करना पड़ेगा? यहां दो है तो मुझे यहां दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दो से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 × 2 = 6, यानी मुझे यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या अब ये स्टोइकोमेट्री है? डेफिनेटली यस. तो दिस इज द स्टोइकोमेट्री. एंड ये जो आगे से नंबर हैं, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 2, इसको बच्चों आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो क्या? इनको आप बोलते हो स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो बच्चों गलती मत करिएगा, कभी आपने अनबैलेंस रिएक्शन के आगे वाले कोफिशिएंट देख लिए तो गलत हो जाएगा. सबसे पहले स्टोइकोमेट्री बनाइए, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनाइए, उसके बाद जो आगे से कोफिशिएंट है वो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं. इज इट क्लियर? कोई डाउट? अभी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट किसको करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स. एक तो आप देख के समझ गए, 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन, यानी मोल को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स मोल्स या वॉल्यूम. वॉल्यूम की भी बात हम कर चुके हैं, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम दोबारा रिपीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए. इवन प्रेशर, इवन प्रेशर यानी ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. यानी ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रेशर, प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट, लेकिन इस वर्ड की बात हम यहां पे नहीं करने वाले. कब बात करेंगे? एक चैप्टर आपका आता है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे हम इसके साथ डील करने जा रहे हैं. तो अभी हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे, डिटेल में वहीं बात करेंगे. कहां स्टडी करने जा रहे हैं? केमिकल केमिकल इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां हम इसकी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. तो इतनी बात क्या आपको समझ में आई? आइए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बच्चों. आइए लेट अस सपोज इसी रिएक्शन की बात करते हैं. चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल 1 ले लेते हैं. चलिए देखिए एग्जाम्पल 1, सेम इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3. इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों. अब यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन. आपका ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 मोल. 3 मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 मोल. किसको? अमोनिया को. 2 मोल अमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ में आ रही है? मोल की और वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं. पहला एग्जांपल मोल एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल वॉल्यूम एक्सप्लेन करूंगा,
तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ डील नहीं करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस इक्वेशन को देखते ही, इस इक्वेशन की शक्ल देखते ही, इस इक्वेशन का चेहरा देखते ही, इस इक्वेशन की स्टिच्योमेट्री देखते ही क्या हम ये लिख सकते हैं? डेफिनेटली। तो स्टिच्योमेट्री को सिंपल अपने शब्द में अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं इसको इन जनरल क्या बोलता हूं? रिएक्शन का चेहरा। चेहरा देखते ही मुझे ये डिटेल मिल जाती है, या बोल दीजिए स्टिच्योमेट्री देखते ही मुझे ये डिटेल मिल जाती है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं ज्यादातर वर्ड चेहरा यूज कर लेता हूं तो आपको जिसमें ठीक लगे। चलिए आइए समझिए। तो बच्चों ये आप लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे पास है 10 मोल नाइट्रोजन, तो बताओ अमोनिया कितनी बनने जा रही है। ये आपसे पूछ लिया तो क्या बोला है? 10 मोल आपके पास नाइट्रोजन है, 10 मोल नाइट्रोजन। एक बात समझ में आती है बच्चों, क्या? 1 मोल के लिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए एंड 2 मोल मेरे को अमोनिया मिलने जा रहा है, तो 10 के लिए कितना मिलेगा? 1 के लिए 3 चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिएगा? 30। 1 के लिए 2 तो 10 के लिए 20 मोल। खत्म, आंसर आ चुका है 20 मोल क्या? NH3। यानी ये क्या है? 30 मोल हाइड्रोजन। तो 10 मोल अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं तो इतना आपको ये मिलने जा रहा है एंड इतना आपको ये मिलने जा रहा है एंड इतना ये मिलने जा रहा है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर। तो मोल पहला चीज आपको समझ में आ चुका होगा। क्या हम दूसरा टर्म समझें? वॉल्यूम। आर यू रेडी? श्योर। चलिए देखिए, एक काम कर रहा हूं, ये केमिकल यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है तो मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर में हम इसकी स्टडी करेंगे, कोई डाउट? थोड़ा स्पेस और बढ़ा लेते हैं अपने लिए। चलिए क्या है? 2NH3। चलिए यहां पे जो स्पेस मिला है वहां पे हम एग्जाम्पल अपना सेकंड समझने जा रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 समझ चुके हैं, एग्जाम्पल 2 आइए देखिए। एग्जाम्पल 2 अगेन क्या कर रहे हैं? सेम रिएक्शन लेके चल रहे हैं, N2 प्लस 3H2 क्या मिल रहा है आपको? अमोनिया NH3। इज इट क्लियर बच्चों? मैंने कहा था ये कोफिशियंट, स्टिक्योमेट्री कोफिशियंट आपके क्या वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है इस रिएक्शन को देख के, इसकी शक्ल को देख के, क्या 1 वॉल्यूम क्या नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम क्या हाइड्रोजन, सॉरी 2NH3 बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हुई है, क्या आ जाएगा? 2 वॉल्यूम क्या अमोनिया NH3। अब आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समझिए। आपसे बोला जाता है, ले लेते हैं चलिए 50 ले लेते हैं, चलिए 50 आपसे बोल देगा, 50 मिलीलीटर नाइट्रोजन आपके पास है, बताइए अमोनिया कितना बनेगा। आपसे 50 ml नाइट्रोजन अगर आपको दी जाए और सफिशियंट हाइड्रोजन दी जाए तो पूछा जा रहा है अमोनिया कितना बनेगा। पता है 1 से बनता है 2 वॉल्यूम, तो 50 ml से डबल, 1 का 2 बनता है तो 50 ml का डबल यानी 100 ml बनेगा। दैट्स ऑल, आंसर आ चुका है 100 मिलीलीटर अमोनिया। क्या ये टफ था? तो एक चीज तो यहां से ये निकल के आ चुकी है, दूसरा ये पूछा नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हैं, एक वॉल एंड वॉल मींस वॉल्यूम क्या है? 1 के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 तो 50 ml के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 3 गुना 1 के लिए 3 तो 50 के लिए 50 × 3 यानी 150 ml हाइड्रोजन। तो आपको 2 आंसर निकल चुके हैं इस क्वेश्चन से। क्या आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? शो समझ में आया? तो हम पूरा अगले लेक्चर में क्या क्या करने जा रहे हैं, सारा का सारा डिटेल में स्टिच्योमेट्री एंड इससे रिलेटेड
क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके निकल के आने वाले हैं, लाइक आपका लिमिटिंग रिएजेंट, लाइक आपका परसेंटेज रीड एंड डिफरेंट डिफरेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस।